क्या उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने वाला है? क्या अपने अपमान का बदला लेने वाले हैं किसान? क्या बीजेपी अंग्रेजों की नीति अपना रही है? क्या बीजेपी धीरे धीरे पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जंग बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। समय निर्णायक हो गया है और इसी बीच तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने पहली बार उत्तर प्रदेश चुनाव पर अपना बयान दिया। एक बार फिर लालू अपने पुराने अंदाज में दिखे, अपने पुराने ठेठ अंदाज में बीजेपी पर जमकर बरसे। दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रही बीजेपी की विदाई का संकेत लालू यादव ने दे दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो महाभारत छिड़ा है और जो व्याकुल और बुरी तरह से परेशान है भाजपा, इस बात का साफ संकेत है कि भाजपा का विदाई हो रहा है वहाँ। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे तो न जाने उन्हें क्या क्या कहा गया, किन किन नामों से उन्हें पुकारा गया। अब उसी पर लालू प्रसाद यादव ने सियासी तीर बीजेपी पर चलाया है। उन्होंने बता दिया कि बीजेपी ने जिन किसानों का अपमान किया, जिन जाटों को बीजेपी ने अलग अलग नामों की उपाधि दी, वही जाट बीजेपी को इस बार चुनाव में दिन में तारे दिखाने के लिए तैयार है। जाट बहुल इलाका उत्तर प्रदेश और हरियाणा है और आज उनके दरवाजा पर जा रहे हैं। किस तरह से जाटों की पिटाई अपमानित किया गया, आतंकवादी कहा गया, जेल में लोग भेजे गए, घसीटे गए, तो ये बात लोग भूले नहीं हैं। जाट कम्युनिटी हरियाणा उत्तर प्रदेश ये बहुत बड़ा असर रखता है सरकार बनाने। लालू प्रसाद यादव यहीं नहीं रुके। जब उन्होंने बीजेपी को घेरना शुरू किया तो एक एक कर उन्होंने तमाम उन मुद्दों पर बीजेपी पर वार किया जिसे बीजेपी चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। खासकर आरक्षण के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर ऐसा वार किया कि अब जनता भी समझने लगी है कि जिन मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, दरअसल उन मुद्दों के जरिए बीजेपी सिर्फ उनका वोट हासिल करना चाहती है। तभी तो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि बीजेपी धीरे धीरे देश से आरक्षण को समाप्त कर रही है और अगर दोबारा बीजेपी सत्ता में आ गई तो ये पिछड़े लोगों को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा सरकार बिल्कुल पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाप्त कर दिया, धीरे धीरे समाप्त करते जा रहा है। बार बार दंगों की याद दिलाकर पश्चिमी यूपी में करीब आए जाट और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने का आरोप झेलने वाली बीजेपी पर लालू प्रसाद यादव ने खूब खरी कोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो 70 साल पहले ही देश छोड़कर चले गए थे, लेकिन बीजेपी रूपी अंग्रेज अभी भी इसी देश में हैं और अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति अपना रहे हैं, इसीलिए चुनाव में दंगों की याद दिला रही है। 70 साल पहले अंग्रेज ब्रिटिश चला गया, सरकार ब्रिटिश आ गए थे, हम सब बारे में पुरखों ने ब्रिटिश को भगाया था और वो समाप्त हुआ, लेकिन अब 70 साल के बाद नया अंग्रेज ये सब आ गया भाजपा के रूप में जी, जो दंगा फसाद करना चाहता लेकिन देश इसे माफ नहीं करे। तो हम अपील करते हैं वोटरों से, सभी लोगों से, खास करके जाट बिरादरी से और वहाँ पिछड़े वर्गों के लोग हैं, पूरी तरह से भाजपा को पराजित करें। कल से चुनाव का शुभारंभ हो रहा। लालू प्रसाद यादव महीनों बाद मीडिया के सामने आए तो अलग ही अंदाज में दिखे। बीमारी के कारण मीडिया से दूर रहने वाले लालू जब बीजेपी पर हमला करना शुरू किया तो उन्होंने बता दिया कि भले ही वो सक्रिय राजनीति से दूर हो लेकिन बीजेपी उन्हें हल्के में ना ले। तभी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अखिलेश यादव को वोट दे और बीजेपी का सफाया करे। बहरहाल वो वक्त दूर नहीं जब जनता का फैसला सबके सामने आएगा, तब पता चलेगा कि लखनऊ की सत्ता पर किस पार्टी का झंडा लहराता है। लेकिन फिलहाल तमाम दलों के नेता अपनी जीत के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।